every WWE SmackDown vs Raw King when video. तो गाइस सही सुना आपने, आपकी कान धोखा नहीं खा रहे, क्योंकि आज मैं खेलने वाला हूँ WWE SmackDown vs Raw franchise की सारी games. Let's begin. तो गाइज हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसके लिए मैंने फटाक से गेम चालू कर दिया है, क्योंकि आज हम लोग को सारी की सारी गेम्स एक वीडियो में खेलनी है और ये वीडियो अब तक की चैनल की सबसे बड़ी वीडियो बन सकती है। लास्ट मेरे चैनल की सबसे बड़ी वीडियो कौन सी है? 50 मैन बैटल रॉयल, और वही सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है। क्या ये वीडियो उसको ओवरटेक कर सकती है? नहीं। देखो गाइज, मैं इतने सारे गेम्स एक ही वीडियो में खेल रहा हूँ, मैं चाहता तो इन सब का एक एक गेम प्ले बना के हर वीडियो पे 10,000 व्यूज ले सकता था, लेकिन नहीं, मैंने सारे गेम्स को एक ही वीडियो में खेला तो 1,00,000 व्यूज तो बनता है मेरे को इस पे। औकात मेरे आ जाएंगे ना, देखो ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके स्मैकडाउन शट। भाई स्मैकडाउन की सारी एक एक गेम्स अनाउंस क्यों कर रहे हैं? ओ लग रहा है स्मैकडाउन वर्सेस रॉ के फ्रेंचाइजी के पहले वो सिर्फ स्मैकडाउन वाली फ्रेंचाइजी चल रही थी। क्या करता है रे तेरी तो गाइस, ये है हमारा पहला सबसे पहला WWE स्मैकडाउन वर्सेस रॉ का गेम जो कि आया था कुछ। अरे भाई ये क्या दिखा रहे हो? तो गाइस हम लोग सीधा पहुंच चुके हैं अपने WWE स्मैकडाउन वर्सेस रॉ के अंदर, जो कि आया था 2005 में या फिर 2004 में। तो गाइस हम लोग को अपना फेवरेट ब्रांड चूज करने के लिए बोल रहे हैं, स्मैकडाउन रॉ। देखो गाइस, जब मैंने WWE देखना चालू किया था ना, पर्सनली मुझे रॉ ज्यादा फेवरेट था मेरा, पर अब मैं स्मैकडाउन को खेलना चाहता हूँ। पार्टी बदल लिया साला। भाई इस गेम में सिर्फ लड़कियां क्यों है? गाइस वो जो गेम हम लोग ने खेला था ना WWE स्मैकडाउन हियर कम्स द पेन, यार ये गेम उसके बाद आया है, तो ये गेम इसीलिए मेरे को इतना ज्यादा फैमिलियर लग रहा है। ये गेम मेरे को उसका पार्ट 2 लग रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ स्मैकडाउन था, ये स्मैकडाउन वर्सेस रॉ है, समझो इस बात को। ओके तो गाइस किसे लिया जाए? जॉन सीना, और सामने केन। अरीना में स्मैकडाउन चूज कर लेते हैं। ओके तो हमारा कूल जॉन सीना यहाँ पे आ चुका है, चल भाई निकल ले। और यहाँ पे हमारे कैन भाई साहब भी आ चुके हैं, और यहाँ पे हमारा मैच स्टार्ट हो रहा है, द ओजी स्मैकडाउन वर्सेस रॉ, हियर वी गो नाउ। ओके तो भाई हम बने हैं इसमें जॉन सीना। अब मैं इसको एक लाफा मारूंगा, फिर कैन मेरे को पकड़ के मारे। ये देखो, देख रहे हो भाई, किसने इसको नाम दे दिया यार स्मैकडाउन वर्सेस रॉ, ये तो एकदम स्मैकडाउन हियर कम्स द पेन ही है। भाई कैन को मैंने लिया है, कैन ने उस मेरे को हियर कम्स द पेन में बहुत मारा था, इस बार मैं सारा बदला इससे सारा हिसाब अपना चुकता करूंगा। लात मारता है मेरे चेहरे पे लात मारता है। भाई इतनी मस्त ग्राफिक्स में मैं इस गेम को खेल रहा हूँ। तुम लोग को वैसे मैं बता दूं कि ये गेम ही एक इकलौता है जो कि PS2 में था, जो PSP में नहीं था, बाकी सारे गेम्स आज की वीडियो के PSP में है, सिर्फ इसको छोड़ के। ओके बाहर आ गया, चल बेटा कवर कर। ओके किक आउट करता है, रुक अब मैं तेरे को पिन नहीं करूंगा बेटा, अब मैं तेरे को सबमिशन करूंगा। भाई ये गेम मेरे को इतना ज्यादा इजी क्यों लग रहा है यार, पहले के टाइम के गेम इतने ज्यादा इजी हुआ करते थे क्या? कम ऑन टैप कर दे। देख बेटा केन तेरी इधर दाल नहीं गलने वाली। भाई ऑडियंस देखो क्या पागल हो रही है मैच को, रॉब ब्रेक कहाँ से आ गया? कम ऑन क्या दबोच के रखा है केन। तो गाइस इसी के साथ हमने हमारा पहला गेम स्मैकडाउन वर्सेस रॉ 2005 खेल लिया है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले गेम की तरफ। चलो गाइस देख रहे हो मेरा पूरा PSP भरा हुआ है स्मैकडाउन वर्सेस रॉ के गेम से, दिस इज वेरी क्रेजी वीडियो। तो गाइस हियर इज द WWE स्मैकडाउन वर्सेस रॉ 2006, वो वाला गेम तो हम लोग ने PS2 एमुलेटर में खेला था, इसको PSP एमुलेटर में खेल रहे हैं। एग्जीबिशन भाई, देखते इसमें कोई तड़कता भड़कता मैच है कि नहीं, चलो भाई सिंगल ही खेलते हैं। अंडरटेकर भाई, मैं तो अंडरटेकर को ही लेने वाला हूँ ऑब्वियसली, तो अंडरटेकर की एंट्रेंस देखनी है पहले के जमाने की, पहले के टाइम पे एकदम पहले ना, इस टाइम के मतलब ये सारे गेम्स है वो टाइम पे ना, मैं सिर्फ अंडरटेकर की एंट्रेंस देखता था, मैं तब WWE नहीं देखता था इतना, मैं सिर्फ अंडरटेकर को देखने के लिए WWE देखता था। सोचो उसकी एंट्रेंस भाई, लोग मसाले लेकर ऐसे खड़े हुए, पर यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके तो यहाँ पे अपने बिस्लेरी के एम्बेसडर साहब आ चुके हैं, ट्रिपल एच, इनके वजह से ही तो बॉटल वाले पानी बिकते,
वरना कोई नहीं पिएगा। ओके तो भाई ये क्या है, टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ। अच्छा हमारे स्ट्रेंथ की टेस्ट लोगे, अंडरटेकर के स्ट्रेंथ की टेस्ट लोगे तुम? अपनी जान प्यारी नहीं है क्या भाई? ये क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हैं यार ये ऐसे ऐसे। एक सेकंड भाई, भाई ये पीछे की ऑडियंस फ्लिकर क्यों कर रही है? ऐसा क्यों लग रहा है नाच रहे हैं ये लोग? मैं नीचे गिर गया, कम ऑन उठ गया। एक सेकंड भाई मेरे को इस गेम के कंट्रोल नहीं मालूम। भाई 6 हो गया यार, मैं किधर जाऊं किधर भागू? 7 नहीं अरे यार 10 हो जाएगा, जल्दी कर अंडरटेकर क्या कर रहा है। 8 देख रेफरी ऊपर आके मारूंगा अगर तूने 10 किया मेरे आने से पहले। 9 अबे यार कैसे, ओ भाई एंड में जाके मेरे को मालूम पड़ा वो बटन से ऊपर जाना रहता है और मैं वो जॉयस्टिक घुमा रहा हूँ। तो गाइस अब हम लोग खेलने वाले हैं अपना स्मैकडाउन वर्सेस रॉ 2007। भाई ये एक्चुअल में देख के लग रहा है कि पहले के टाइम का गेम है, इसका इंटरफेस ऐसा लग रहा है, पर शायद हम लोग इसको PSP एमुलेटर में खेल रहे हैं इसके लिए। भाई इसके अंदर गेम मोड्स देखो क्या क्या है। भाई गेम मोड में इसके अंदर सीजन मोड, जनरल मैनेजर मोड, PPV मोड, इतने सारे मोड सिर्फ एक गेम में, और इसके बावजूद इसके अंदर रोड टू रेसलमेनिया भी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यार आजकल के 2K20, 22, 23, 24, 2069 इन सबको सीखना चाहिए इन सारे पुराने गेम से। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा, इतना सारा पैकेज सिर्फ एक ही गेम में भर दिया लोग ने। एक बार फिर से हम लोग अंडरटेकर से SSSS ले रहे गाइस, क्योंकि अब बात सम्मान पे आ गई है। अब मैं भी यही होगा, तू भी वही होगा, बस अरीना चेंज होगा। भाई मशाल वाली एंट्री इसमें भी नहीं है यार, चल गए तेरी एंट्री देखनी भी नहीं है, गजब बेइज्जती है। भाई ये सही था, पहले के टाइम के जो भी गेम खेलो, गेम चालू होने से पहले गेम का टाइटल आता था स्क्रीन पे। भाई इसमें भी स्क्रीन फ्लिकर हो रही है यार। I'm sick and tired now. I don't know what to do. एक सेकंड भाई, ये गेम तो मेरे को लास्ट गेम से भी ज्यादा पुराना गेम लग रहा है, या फिर मैंने अरीना ही कुछ ऐसा चूज किया है। यार मैंने पहला वाला गेम स्मैकडाउन वर्सेस रॉ ओरिजिनल उसको PS2 एमुलेटर में खेला था, और इन सारे गेम्स का बाप लग रहा था वो ग्राफिक्स वाइज, पर इसमें तो कुछ अलग ही खेल चल रहा है यार। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरा फोन ही क्रैश हो जाएगा इसको देख के। भाई लोगों का PC क्रैश होता है, मेरा तो फोन ही क्रैश होने वाला है। पहली बात तो मेरे को कंट्रोल ही नहीं आते इस गेम के, मैं क्या करूंगा यार। 1 2 अच्छा एटलीस्ट छोड़ना तो आता है। भाई मैं क्या करूं, इससे पहले मैंने सिर्फ स्मैकडाउन वर्सेस रॉ के पूरी सीरीज का सिर्फ एक ही गेम खेला है, और वही गेम हजारों बार खेला है, स्मैकडाउन वर्सेस रॉ 2011। उसके पहले के 10, 9, 8, 7, 6, 5 ये सारे मैंने तो पहली बार सुने। तो गाइस अंडरटेकर ने दिया अपना द लास्ट राइड। ओ यार चूक कैसे गया भाई, भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। एक काम कर SSS, तू ही मेरे को मार दे, तू ही मेरे को मार के खत्म कर ये मैच, मेरे को नेक्स्ट गेम में जाना है। मैं नीचे आ गया, नीचे से तो अपना गहरा रिश्ता हो गया है, अबे मेरे पे कूद गया। एक सेकंड कितना काउंट हुआ, 6। एक काम करता हूँ मैं जाएगा ही नहीं, रेफरी तू बिंदास काउंट कर, तू 10 तक काउंट कर आराम से, मैं ऊपर जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि भाई ऐसे गेम का कोई मतलब नहीं जो कि ठीक से खेल ही नहीं सकते। भाई ये देखो एक मिनट स्क्रीन देखो, ऐसा लग रहा है वो गांव में DJ बजते ना वो बज रहा है। 10 भाई हारने के बाद ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, नाच ले बेटा SSSS, तेरी तो कह के लूंगा मैं। तो गाइस अब हम लोग अपने अगले गेम की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है WWE स्मैकडाउन वर्सेस रॉ 2008। कितने गेम्स कवर हो चुके हैं, ओरिजिनल 6, 7, 8, इसके बाद 9, 10, 11, मतलब हम लोग मिडिल में पहुंच चुके हैं। तो गाइज अगर आप लोग ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता है। तो गाइज इस बार हम लोग ने लिया जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन को। भाई जॉन सीना उस टाइम तक हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट वाला जॉन सीना बन गया था क्या? ओके भाई ये कौन सा रैंडी ऑर्टन है? ओ मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे तो इसका वही म्यूजिक लग रहा था। तो गाइज यहाँ पे मैच चालू हो चुका है। ओके क्या डायरेक्शन दिखा रहे भाई, ऐसा डायरेक्शन तो स्मैकडाउन वर्सेस रॉ 2011 में भी नहीं था। मैच स्टार्ट, अच्छा अब मैच स्टार्ट हुआ क्या? कम ऑन जॉन सीना, तोड़ दे मुंह फोड़ दे इसका। ये यू कैन सी मी पंच। भाई इसमें तो जॉन सीना हमारा कुछ ज्यादा ही तगड़ा है लग रहा है। ओके इस बार शायद मैं अपने कंट्रोल भी समझ चुका हूँ, और इस बार सबसे मेन बात, इस बार तो गेम भी फ्लिकर नहीं हो रहा। वाओ भगवान मेरे साथ है, कम ऑन। ओके अब मैंने इसको उठाया, अच्छा एक्शन मारता है, टॉन्ट मारता है, अब तेरे को टॉन्ट मारने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं।
अबे मैं अंदर कैसे लेके जाऊं इसको? अच्छा इससे दौड़ते, ओके मैं थोड़ा सा भूल गया था स्मैकडाउन वर्सेस रॉ 2011 की कंट्रोलर। इसमें मैं भी क्या करूं यार, इतने सारे गेम्स है, हर गेम के कंट्रोलर नहीं याद रहते। सलूट बनता है। ओ गाइस मेरा सिग्नेचर आया कि नहीं यार? मेरा सिग्नेचर कब आएगा? ओके ये मैंने किस लिए लाया था अंदर, इसको एक मारता हूँ एक बार में सिग्नेचर। अबे डिस्क्वालीफाइड। अरे यार मैं तो भूल ही गया था कि नॉर्मल 1-on-1 मैच है। अभी तक जितने भी गेम खेले हैं एक का भी रिजल्ट ढंग से निकला नहीं है। कोई बात नहीं गाइस, WWSVR 2009 इज हियर। भाई हर गेम के अलग अलग इंटरफेस, अलग अलग सुपरस्टार, आदमी कंफ्यूज हो जाए। तो भाई हर बार तो हम लोग सिंगल्स मैच ही खेल रहे हैं, नॉर्मल मैच, इस बार कुछ अलग करते हैं। टेबल TLC खेले क्या, या फिर स्टील केज खेलते हैं? फर्स्ट ब्लड मैच खेलू मैं? फर्स्ट ब्लड मैच में खेल सकता हूँ, मुझे मजा भी आता है। ये लो ट्रिपल एच अंडरटेकर। भाई ये लोग कहाँ से आ गए? मेरे को देखो अभी कंट्रोल नहीं आता है, मेरे को ये मैच करूंगा मैं आराम से। हम लोग ट्रिपल एच से बदला लेंगे, लेकिन उससे पहले भाई एक काम करते, बिक्शो को ले लेते क्या? बिक्शो कम ऑन, बिक्शो सामने अंडरटेकर नहीं तो ये लल्लू पल्लू आ जाए, जिससे मैं तुम लोग को दिखा सकूं कि मैं कितना बड़ा प्रो हूं। एक मिनट, ग्रेट खली, कम ऑन, अब तो मेरे को खली चाहिए। अब मैं खली और सामने बिक्शो रखूंगा। ओके भाई खली भाई साहब कहाँ है यार? मेरे को तो याद ही नहीं था कि खली भी था गेम में। के सामने बिक्शो, एक काम करते खली वर्सेस अंडरटेकर ही कर लेते। गाइज रॉयल रंबल वाला मैच हम लोग ने सिलेक्ट किया है, सॉरी मतलब अरीना सिलेक्ट किया है, और यहाँ पे हियर वी गो नाउ। ओ भाई खली का ओरिजिनल, जब खली ने डेब्यू किया था ना तो उसके टाइम पे उसका जो एंट्रेंस था वही वाला एंट्रेंस इधर पे। ओ एटलीस्ट ये वो पंजाबी प्ले बॉय वाला खली तो नहीं है, वरना मैं तो उसे परेशान हो गया था WWE 13 में खेल खेल के। ये होता है खली, ये था ओरिजिनल खली जिसने WWE में डेब्यू करके पूरा WWE हिला दिया था। ओके तो यहाँ पे अंडरटेकर आ चुका है। ओके आंख दिखाता है, आंख दिखाता है, आंख दिखाता है। गाइस यहाँ पे हमारा मैच चालू हो गया। अरे भाई कितने इंस्ट्रक्शन दे रहे हो यार। ओके देख रहे हो खली की ताकत, यही हुआ था गाइस, यही हुआ था जब खली ने अंडरटेकर वाले मैच में अपना डेब्यू किया था, तोड़ के रख दिया था अंडरटेकर को। कम ऑन लॉक भी दे दिया। के सबमिट कराओगे क्या सर जी? छोड़ दिया। अबे यार क्यों दे रहे हो इतना? चलो अच्छा है, दे दो यार। अगर ऐसे ही कंट्रोल है ना वो पिछले गेम्स वालों ने दिया होता तो हमारा ये हाल नहीं होता अब तक का। पर इस मैच को तो मैं जीत के रहूंगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर मैं इसको जीता तो तुम लोग को लाइक भी करना पड़ेगा। ओके ठीक है, समझ गया। और ये मैंने दिया खली को, सॉरी अंडरटेकर को सुप्लेक्स। भाई खली वर्सेस अंडरटेकर इतना खतरनाक मैच यार, मैंने सोचा था कि ये मैच में कभी एक इसका एक्सक्लूसिव गेम प्ले रखूंगा, पर इसी वीडियो के अंदर वो भी आ गया। भाई इतना सारा मिर्च मसाला भरा है इस वीडियो में, ये वीडियो डिजर्व करती है यार अच्छे व्यूज आना। अगर इस वीडियो पे भी व्यूज नहीं आए ना ज्यादा तो मैं टूट जाऊंगा पता है। अबे अंडरटेकर बाहर क्या नाच रहा है यार? अंडरटेकर की भी क्या गलती है, हम लोग ने बेचारे को इतना बाहर नचा दिया कि अब वो बाहर ही नाचता है। बात तो सही है। ओ भाई अंडरटेकर को एकदम ऊपर उठा के झूला झूला रहा है हमारा खली। यार इसको देख के ना, तुम लोग ने कुश्ती मूवी देखी है खली की? मेरे को बिल्कुल वही सीन याद आ गया, बस फर्क इतना है कि वहाँ पे खली ने राजपाल यादव को उठाया था और यहाँ पे अंडरटेकर को। ओ एक और अंडरटेकर फिर चल गया, चल तेरी उठेगा हाँ, हमारे सामने ये सब नहीं चलेगा। ये सारे मूव से ना जॉन सीना के आगे चलते, अंडरटेकर से हम नहीं डरते गाइज, पूरा WWE डरता होगा पर अंडरटेकर से खली नहीं डरता। एक बार फिर से वही कुश्ती वाला सीन, और ये खली का सिग्नेचर खली चॉप, क्या दिया है इसे या। इस मैच ने सारी कसर पूरी कर दी है जो जो हम चाहते थे। ओके ओ सिर्फ एक मुक्का और विमल बाहर, जीत गए भैया जीत गए, फाइनली पहला मैच हम लोग एकदम इज्जत में जीते हैं, वरना बाकी सब तो अभी तक टाइम पास ही चल रहा था। गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले गेम की तरफ जो है WWE स्मैकडाउन वर्सेस रॉ 2010। भाई 2010 भी मैंने खेला नहीं है, चलो इसको भी ट्राई कर ही लेते हैं, और इसमें भी हम लोग कोई नया मैच ट्राई करेंगे। आयरन मैन, हेल इन अ सेल, ये सारे बच्चों वाले मैच है, हम ट्राई करेंगे स्टील केज। यार कौन सा प्लेयर सिलेक्ट करूं? ओके रैंडी ऑर्टन। भाई इस वाइप
वाइप। रैंडी ऑर्टन एकदम अपने वाइपर वाले लुक में, देखो क्या लग रहा है यार। इसको तो लेना बनता है, शायद इसमें हम लोग आरकेओ भी दे पाए। रैंडी ऑर्टन का पहले कोई और ही फिनिशर था। ओके छोटू भैया, भाई यहाँ पे तो है ना रेसलमेनिया का अरीना। ओके ऑल सेट भाई, क्या चैंपियनशिप है यार। पर पता नहीं क्यों लोगों को ये वाली WWE चैंपियनशिप उतनी पसंद नहीं थी। छोड़ो हमें क्या करना है, हमें तो गेम खेलना है। बात तो सही है। ओके स्टील केज के अंदर हम लोग आ चुके हैं। खेल है भाई, मारना तो सीख गया हूँ मैं, पिछले गेम्स में मार भी नहीं पा रहा था, बस मैच खत्म करना नहीं सीखा हूँ। यार ये वाला रैंडी ऑर्टन बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई, कहाँ रे मिस्टीरियो को ले लिया, बेचारा बच्चा बहुत मार खाएगा आज। देखो जितने भी जोक में ये बच्चा वगैरह बोलता हूँ, तुम लोग को एंटरटेन करने के लिए बोलता हूँ, लेकिन तुम लोग ऑफेंड हो जाते हो। ये ले चा चा, मम्मियाँ अपने बच्चों को नहीं मारती है कुछ गलती करने पे। वैसे रैंडी ऑर्टन मार रहा है रे मिस्टीरियो को। एक काम करते, ये अब उठेगा नहीं, हम लोग चलते हैं बाहर। पटक दिया इसकी ऐसी की तैसी। सोचा था तुझे बिना दर्द दिए मैं इस मैच के बाहर मतलब स्टील केज के बाहर आ जाऊंगा, मैच जीत जाऊंगा, पर नहीं, अब तो तेरे को दर्द देना ही पड़ेगा, तुझे हार क्यों देना ही पड़ेगा। ये बेस्ट टॉन्ट एवर इन WWE भाई, मेरा सिग्नेचर आ गया, मेरा सिग्नेचर आ गया, मेरा सिग्नेचर आ गया। तो क्या नाचो मैं? ओके मैंने दिया गाइस, ये मेरा सिग्नेचर, ये है मेरा सिग्नेचर स्टील केज में मार। अबे रगड़ रहा है बेचारे का रे मिस्टीरियो का मुंह, रगड़ रहा है। ओ बेचारे का मुंह स्टील केज के अंदर रगड़ रहा है। इस रे मिस्टीरियो के साथ क्या क्या होता है WWE में, कोई उसकी आंख स्टील स्टेयर्स में डाल के फोड़ देता है, कोई उसका मुंह रगड़ देता है स्टील केज में, वरना कोई तो उसको घर में ही घुस के मारता है। स्ट्रगल है भाई, छोटा होना बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। तो गाइस मैंने दिया रैंडी ऑर्टन को एक बार फिर से सिग्नेचर, और एक बार फिर से वही फिनिशर। ये ले भाई, मैंने सुना था कि ये वाला फिनिशर आरकेओ से भी ज्यादा खतरनाक है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा। ओके तो अब हम लोग एक बार फिर से ऊपर चढ़ रहे हैं, कम ऑन रैंडी ऑर्टन। ओ फिर से पटक दिया इसने मेरे को नहीं खेलने का यार, मेरे को नहीं खेलना, मैं क्विट कर रहा हूँ उसको, चल निकल इधर से। तो गाइस अब हम लोग खेलने जा रहे हैं अपनी जान WWE स्मैकडाउन वर्सेस रॉ 2011, क्योंकि इसका एक एक कंट्रोलर अपने को मालूम है। कम ऑन कौन सा मैच खेले गाइस, नॉर्मल मैच खेलते हैं, और आज हमारे अंडरटेकर के साथ में जो बेइज्जती हुई है उसका बदला हम लेंगे इस गेम के अंदर। कम ऑन अंडरटेकर, HHH कहाँ है, HHH कहाँ है, कभी कहाँ छुप के बैठा है, निकल सामने। अच्छा इधर है, कम ऑन आज तो गया बेटा, ये गेम तो अपना घर है पता है तेरे को। इस बार भी रेसलमेनिया वाला अरीना चूज कर लेते। ओके भाई एंट्रेंस नहीं देखना यार, बार बार वही पुराना, और तेरा तो बिल्कुल नहीं देखना भाई यहाँ से साले तू। कम ऑन हमारा मैच चालू गया, ये ले। एक और ये DDT, और भैया आ गया स्वाद, और ये चॉक स्लैम की तैयारी अंडरटेकर की तेरे को, और ये ले या अंडरटेकर। कम ऑन टॉमस्टोन पाइल ड्राइवर की बारी, और ये लिया टांग ऊपर मुंडी नीचे, और ये पिन। चल रेफरी काउंट कर, 1 2 3 टन 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 टन। तो गाइस इजी के साथ हमारे ये सारे के सारे WWE स्मैकडाउन वर्सेस रॉ के गेम्स खत्म हो चुके हैं, बहुत मजा आया भाई। हाँ थोड़े कुछ एक आध मैच हम लोग ने गलती से हार गए, पर कोई बात नहीं, हमारे अंडरटेकर का बदला पूरा हो गया, इससे बड़ी और कोई खुशी की बात नहीं है। इसी बात पे अंडरटेकर के नाम पे कर दो वीडियो को लाइक, और इन सारे गेम्स में से आपको कौन सा गेम्स पसंद आया इस पे कर दो कमेंट, मेरे नाम पे कर दो सब्सक्राइब। अब मैं चलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।